हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक? आज हम एक नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है HLRS। तो यह है हमारा लेसन। अब इस लेसन में हमें बच्चों को क्या समझाना है, तो यहाँ पर हमें बच्चों को ये जो लेटर हैं इनसे आने वाले नए नए वर्ड्स हमें यहाँ पर बच्चों को समझाने हैं कि एच से आने वाले लेटर्स कौन से, जैसे कि हैट, हॉर्स, हैंड, लाइक दैट। एच से आने वाले वर्ड्स, सभी HLRS से आने वाले तमाम वर्ड हमें यहाँ पर समझाने हैं बच्चों को, उसके मीनिंग उन्हें समझाने हैं। यहाँ पर हमें बच्चों को यहाँ पर ये जो लेटर्स हैं HLRS करेक्टली किस तरह से प्रोनाउंस होते हैं ये उन्हें समझाना है, और उनसे भी हमें यहाँ लेटर्स बुलवाने हैं। हमें यहाँ पर बच्चों को लेटर्स की लिखने की प्रैक्टिस भी करवानी है, ताकि ना सिर्फ उन्हें देखकर बोलते और अच्छे से प्रोनाउंस करते आए, बल्कि उन्हें यहाँ पर लिखते भी आए। बच्चे जब हम ये समझा चुके होंगे ना, तो बच्चे खुद से वर्ड्स में छुपे हुए लेटर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि अगर हम उन्हें चार लेटर्स दें, कैट, बैट, हैट, तो यहाँ पर जो हैट में जो एच है वो बच्चों को आइडेंटिफाई करते आए, बच्चे खुद से वो लेटर्स यहाँ पर लिख भी पाए। ये हमें बच्चों को इस तरह से समझाना है। हम यहाँ पर बच्चों को ये लेसन इस तरह से समझाएंगे कि बच्चे यहाँ पर जो लेटर के प्रोनाउंसिएशन की ब्यूटी है उसको समझ पाए, बच्चे यहाँ पर टीम वर्क की इम्पोर्टेंस को भी समझ पाए और उसे अमल में ला पाए। हम बच्चों के यहाँ पर ना सिर्फ इल्मी तरक्की का ख्याल रखेंगे, बल्कि उनकी यहाँ पर मजमूई तरक्की का भी ख्याल रखा जाएगा, जो कि NEP 2020 भी चाहता है। अब ये सबक हम बच्चों को हमारे जो ट्रेडिशनल तरीका है उसी तरह से यहाँ पर पढ़ाएंगे। बीच बीच में यहाँ पर हमें एक्टिविटीज लेंगे, गेम्स लेंगे, ताकि बच्चों को बहुत ही इंगेजिंग लगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं ये लेसन HLRS। शुक्रिया।